जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जो महत्वपूर्ण कृषि विभाग की योजनाएं हैं, जिसके संचालन में गति लाने के लिए और उसमें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को लाभ मिले, शासन के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं पर काम हो, जिसको देखते हुए यह बैठक की गई है, जिससे कि किसानों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बिंदु बताइए ने। सर इसी में आपसे निवेश का हाँ कार्य है क्या? तो लास्ट ईयर का इस साल का बजट तो कुछ आया नहीं होगा। साल तो नहीं आया, लास्ट साल के घर के ही कुछ स्पिलओवर है, स्पिलओवर पैसा है किसी भी विभाग में? आप सबका तो ट्रेजरी से होता है, कोई अलग खाता किसी अकाउंट में है? डेयरी में, पशुपालन में, किसी में? हमारे यहाँ बकरी वाले में आता है। ठीक है, तो इस साल की योजना बनाने में क्या प्रगति है? मैंने मांगा था योजना बना के मुझे अलग से मिलेंगे, कोई नहीं मिला। कृषि सिंचाई योजना में क्या भेज रहे हैं? ये सब तो हमें चाहिए ना, तो वही ट्रेडिशनल तुम टिश्यू कल्चर वही ले रहे हो। कहाँ टिश्यू कल्चर करोगे तुम बताओ? एक नर्सरी नहीं बना पाए हो एक साल से, मैं बोल रहा हूँ। उसको देखा है, उसी के अनुसार हमारा बनना चाहिए। क्या है 100 दिन में सर पहले तो एक इंक्यूबेशन सेंटर से या फिर भोजन कराया जाएगा? हर जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा सर, गोरखपुर के लिए आया मिल जाएगी। और उसका टिश्यू कल्चर होगा? टिश्यू कल्चर नहीं सर, इसमें इनोवेशन होगा, स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेनिंग देंगे। ये पोस्ट हार्वेस्ट वाले पोस्ट हार्वेस्ट जी सर, जो कृषि सेक्टर में 100 दिन की कार्ययोजना बनी है, उसमें हॉर्टिकल्चर में क्या क्या निर्देश मिले हैं, कुछ लिखित में लिए हैं सर? सभी बंद करिए अलग से, और इस साल की जो आपकी योजना है उसको उसी में समाहित कर दीजिए, और मुझे एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए। आज अप्रैल 15 है, मुझे अप्रैल 20 तारीख के भीतर फुल प्रूफ प्लान चाहिए। उसमें क्या क्या टास्क हैं, क्या लक्ष्य हैं, समय सारणी क्या है, वित्त पोषण क्या है, और इसको क्रियान्वयन करने की प्रोग्राम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब चीजें क्या क्या बताया मैंने अभी? प्लांट प्रोटेक्शन से सीवीओ, पशुपालन विभाग से, डेयरी से, भूमि संरक्षण से, और कोई मासिक बैठक कृषि से संबंधित विभागों की है, और जो विभागीय योजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण कृषि से जुड़े हुए सेक्टर की योजनाएं हैं, जिसको संचालन में गति लाने के लिए और उसमें लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किसानों को लाभ मिले, शासन के मंशानुरूप उनके विभिन्न पहलुओं पर काम हो, इसीलिए हम लोग ये बैठक करते हैं। और अच्छे माहौल में बैठक होती है, दीर्घकालीन रणनीति भी बनती है, और जो भी अंतर्विभागीय समन्वय है वो भी सुनिश्चित होता है। किसानों को एक्सटेंशन का काम लाभ मिले, यंत्रीकरण का लाभ मिले, विविधीकरण का लाभ मिले, और किसान विभिन्न योजनाओं में आच्छादन में कोई कमी न रहेगा, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाता है।